फिलहाल मैं अभी पुणे में हूँ, सोलापुर जा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग तुलजापुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप वो सवाल पूछ सकते हो, तो आपको उसका जवाब इशारों में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 27 अक्टूबर 2022 और आज थर्सडे है। फिलहाल मैं अभी पुणे में हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे तीन दोस्त और हैं और हम लोग 7 डेज़ के लिए रोड ट्रिप पे हैं। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर कर सकते हैं 7 दिनों में। और बाकी ऐसा है कि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैं 45 डेज़ के बाद शूट कर रहा हूँ। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो गणपति विसर्जन का था, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग शूट करने के लिए। लेकिन अभी दिवाली वगैरह हो गई है, छुट्टी बीत गई है, तो हम चार दोस्त अभी यहाँ से निकले हैं मुंबई से और अभी फ़िलहाल हम पुणे में। मैं सुबह 6 बजे निकला था मुंबई से, 12 बजे पुणे पहुंचा हूं और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। फिलहाल 3 घंटे से हम लोग पुणे में ही घूम रहे हैं और हम लोग एक दो मंदिर पे हम लोग गए भगवान के दर्शन किए, बट वहां पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसके लिए मैंने शूट नहीं किया। तो अभी हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है खाने के लिए। तो खाना खाएँगे, फिर यहाँ से हम लोग जो है 300 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम लोग जा रहे हैं सोलापुर। तुलजापुर आपको पता होगा, भवानी माता जी का मंदिर है वहाँ पे, तो उनके दर्शन करेंगे आज और आज वहीं पे स्टे करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से कल सुबह निकलेंगे, तो कल देखते हैं कल हम लोग क्या क्या चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो गाइस बने रहिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है कैमरे में कैद करके आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों ये है लबाबदार और ये तंदूरी रोटी। मज़ा आ गया खाना खा के आज तो। और अभी फ़िलहाल हम लोग 280 किलोमीटर का ट्रैवल करके सोलापुर जा रहे हैं और दिस इज़ आवर व्हीकल। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम लोग तुलजापुर पहुंच चुके हैं और यहां पे भवानी माता का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, तो अभी हम लोग वहां पे आए हैं दर्शन करने के लिए। और अभी फ़िलहाल शाम के 9 बज रहे हैं और जो मंदिर का टाइमिंग है वो 10 बजे तक ही चालू रहेगा, तो हम लोग को 1 घंटे के अंदर दर्शन वगैरह करके जो है फ्री होना है। उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह यहाँ से निकलेंगे हैदराबाद। काफ़ी हैपनिंग जगह है ये दोस्तों। और ये देखिए ये मंदिर का जो है वो एंट्रेंस है, बहुत क्राउड है, रात के 9 बज रहे हैं फिर भी बहुत क्राउड है यहाँ पे। दोस्तों मेरे पीछे जो लाइन लगी है ना, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप वो सवाल पूछ सकते हो, तो आपको उसका जवाब इशारों में मिल जाएगा। तो मैंने 2 सवाल पूछा तो मुझे उसका जवाब मिल गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो दोस्तों तुलजापुर से हमारा प्लान था हैदराबाद का, जिसमें रामोजी फिल्म सिटी और उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर, बट कुछ पर्सनल रीज़न थे इस वजह से मैं मुंबई वापस आ गया। तो कल रात को मैं तुलजापुर से सोलापुर गया, फिर वहाँ से रात को 2 बजे से मेरी बस थी, बट वो 1.5 घंटा लेट आई, तो 3:30 बजे मैं बस में बैठा और अभी 1 बज रहे दोपहर के और आज है 28 तारीख और अभी फ़िलहाल मैं मुंबई आ चुका हूँ। और देखते हैं कब बुलावा आता है भगवान का, तो जब बुलावा आएगा तो हम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।